नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ऐसी योजना के बारे में जिसमें बेरोजगार युवाओं को हर महीने मिलेंगे पैसे। बिहार में ऐसे कई युवक हैं जिन्हें किसी कारण से 12वीं परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली है। अगर आप 12वीं पास कर गए हैं और अभी तक बेरोजगार हैं तो बिहार सरकार के इस भत्ते का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि यह भत्ता बिहार सरकार के मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता के तहत यह लाभ मिलेगा। इस भत्ते के तहत आपको घर बैठे 1000 रुपये की राशि हर महीने दी जाएगी। बिहार सरकार की ओर से युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 12वीं पास छात्रों को 2 साल के लिए हर महीने 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। बता दें कि नीतीश कुमार की सरकार ने इस योजना की शुरुआत बेरोजगार युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया है। बता दें कि योजना का लाभ उठाकर बेरोजगार युवक अपनी पढ़ाई के साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी कर सकते हैं। बिहार सरकार की इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थियों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इस स्कीम का लाभ पाने के लिए पहले किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं की पास होना जरूरी है, साथ ही साथ बिहार का वो मूल निवासी होना अनिवार्य है। बता दें कि इसके लिए अभ्यर्थी को 20 से 25 साल के बीच का होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि उम्मीदवार ने किसी भी तरह की उच्चतर शिक्षा नहीं ग्रहण की हो। इसके साथ ही उम्मीदवार को अन्य स्रोत से किसी प्रकार का भत्ता यानी स्कॉलरशिप, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन लोन या फिर किसी प्रकार की सहायता भी प्राप्त नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि उम्मीदवार को अन्य स्रोत से किसी प्रकार का भत्ता, स्कॉलरशिप जैसी चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। इस योजना का लाभ पाने के लिए उम्मीदवार को पहले बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट yuvapmmissionbihar.gov.in पर जाएं। यहां जाने के बाद आपको जो है होम पेज पर जाने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यहां आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं पिक्चर में दिए गए कैरेक्टर को भरना होगा, यानी कि जो जो डिटेल आपसे उस दौरान मांगे जाएंगे वो सारी चीज़ें जो है आपको भरना होगा। इसके बाद जरूरी डिटेल भरने के बाद अंत में सेंड OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल पर फिर ईमेल या फिर मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट करने के लिए कन्फर्मेशन मैसेज आएगा। इसके बाद आपकी सारी जानकारी कन्फर्म कर दें। इसके बाद आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। बता दें कि यह आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया तो आपके मोबाइल पर या फिर आपकी ईमेल आईडी पर इसकी पूरी जानकारी जो है वो साझा कर दी जाएगी। जब आपके मोबाइल में आईडी और पासवर्ड आते हैं तो अभ्यर्थी लॉगिन करके नया पासवर्ड यहाँ पे आप जो है खुद जनरेट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म को पूर्ण तरीके से भर दें। फॉर्म को फाइनल रूप से भरने के बाद आपका प्रिंट आउट निकाल लें और अन्य डॉक्यूमेंट के साथ इसकी जांच जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर करवाएं। यहाँ से स्वीकृति मिलते ही आपका भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहे कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 60 दिनों के अंदर स्टूडेंट से संबंधित DRC कार्यालय पहुंचकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पूरा करना होता है। तो इस तरह से जो है आपको हर महीने 1000 रुपये मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो कि बिहार सरकार की तरफ से की गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।